हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एकदम डिटेल्स में बताने वाला हूं कि कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग कैसे करें। ठीक है, काफ़ी लोग का सवाल रहता है, मैं फुल वीडियो आज बनाने वाला हूं, क्योंकि अभी तक जितना भी वीडियो मैंने बनाया है सब में कुछ एक एक चीज़ बताया है। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं पूरा टोटली चीज़ बताऊंगा एक ही वीडियो में। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, और आप लोग समझते होंगे कि एक ही एप्लीकेशन से ऐसा फ़ोटो बन जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। चार पांच एप्लीकेशन होता है जिसमें मिला के और तब जाके कुछ इस टाइप से फ़ोटो एडिटिंग होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं यही चीज़ बताने वाला हूँ, कैसे कैसे कौन सी एप्लीकेशन में एडिटिंग होता है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो मैं हर रोज़ लाते रहता हूँ। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा ओरिजिनल फ़ोटो है जो कि मैंने क्लिक किया था छत पे ही। तो इसी फ़ोटो को एडिट करके आज दिखाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, और फिर से एक बार बता देते हैं कि सारे एप्लीकेशन के बारे में वीडियोज़ बनाया हूँ, ये वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसे मैं वीडियो इतना लंबा इसलिए नहीं बनाता हूँ कि शायद आप लोग देखोगे नहीं, लेकिन इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग हमारे वीडियोस को पूरा देखते हैं और दिल से देखते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं और इतना वीडियोज़ को देखते हैं ताकि आप भी कुछ सीख सकें। और जो देखते हैं वाकई में वो लोग सीख चुके हैं और अच्छे फोटो एडिटिंग करते हैं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर सबका पोस्ट देखते रहता हूँ। ठीक है, जो भी मेरे को टैग करते रहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और आप भी मतलब फ़ोटो एडिटिंग कीजिए और मुझे टैग कीजिए, ताकि मैं भी देखूं और आप लोगों के फ़ोटोज़ पे कमेंट करके बताऊं कि फ़ोटो आप लोगों ने कैसा बनाया। ठीक है, क्योंकि मेरा वीडियोज़ देख के आप लोगों ने बनाया है। तो दोस्तों, ये मेरा ओरिजिनल फ़ोटो है, और इसको करना क्या है, सबसे पहले शेयर करना है इसको स्नैपसीड एप्लीकेशन में। ध्यान से देखिए, सबसे पहले स्नैपसीड में शेयर करना है, और यहाँ से लाइट वाले ऑप्शन पर जाके हल्का सा ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करेंगे और एमबीवीएम्स को हल्का सा ऐसे इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, और सैड उसको ऐसे बढ़ा लेंगे। ठीक है, डन कर लेंगे। सो देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, उसके बाद से टूल्स वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, फिर से सेलेक्टिव टूल लेंगे। एकदम ओरिजिनल चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो कभी भी आप समझ नहीं पाएंगे। और यहाँ से थोड़ा सा हम लाइट को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करेंगे अपने फेस पर, ताकि मेरा फेस गोरा करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, पहले से ही गोरा, थोड़ा सा लाइट रहेगा तो गोरा करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मैंने स्नैपसीड में क्या क्या किया, बस इतना ही काम करना होता है। और ये स्नैपसीड एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा, आप लोग आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और अभी शेयर हो रहा है ये फ़ोटो, शेयर होने के बाद अभी देखिए, हमको लाइट रूम एप्लीकेशन में फ़ोटो को शेयर करना है। ये रहा लाइट रूम एप्लीकेशन, और यहाँ पर मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, शेयर कर दिया, और मैं आप लोग को एक ज़रूरी बात बता देता हूँ जो कि आप लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, तो मैं लाइट रूम एप्लीकेशन में सबसे पहले चलता हूँ, उस फोटो को ओपन करता हूँ, उसके बाद से आप लोग को बताता हूँ कि क्या चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा फ़ोटो ओपन हो चुका है, और सबसे पहले आप लोगों को एक बात जानकारी देना ज़रूरी है कि ये जो टूल होता है, ठीक है, मास्किंग टूल, हीलिंग टूल, ठीक है, ये बहुत लोगों के मोबाइल में नहीं खुला होता है, क्योंकि मैंने परचेस किया है, प्रीमियम वर्जन है मेरा, और आप लोगों में नहीं है। और ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लेंगे तो ये दोनों लॉक मिलेगा, ठीक है ना, लॉक मिलेगा। तो आप लोगों को यही चीज़ बताने वाला हूँ कि लॉक होने ना होने से कोई मतलब नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं भी काम करता है, फिर भी आप अपने फ़ोटो को एक बेहतर बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा तक बना सकते हैं, ठीक है ना, जो कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट वाले ऑप्शन पर जाके फिर से थोड़ा सा लाइट बढ़ाएंगे, और हाईलाइट को एकदम माइनस में रखेंगे, शैडो को इंक्रीज कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा, और वाइट एंड ब्लैक दोनों को ऐसे कम करेंगे। ठीक है, देखिए, जब फोटो डार्क हो जाता है ना तो कलर आ जाता है फोटो में, तो अच्छा भी लगता है। ठीक है, देखिए, अभी कुछ इस टाइप से मैंने डार्क किया अपने फ़ोटो को, उसके बगल में एक कलर्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिस पर क्लिक करने के बाद ऊपर सबसे पहले मिक्स टूल का एक ऑप्शन मिलेगा। मिक्स टूल पे जाएंगे और रेड टोन का सबसे पहले ह्यू थोड़ा सा कम करेंगे और सेचुरेशन को इंक्रीज करेंगे। इससे ये होता है कि रेड टोन जो भी होता है इंक्रीज हो जाता है। और इसके बगल में ऑरेंज टोन है, ऑरेंज टोन का सेचुरेशन हमको माइनस करना है। ठीक है, माइनस में ऐसे रखेंगे और लुमियंस को 100% हाई कर देंगे। देख सकते हैं, मैंने अपने फ़ोटो को काफ़ी अच्छे से गोरा भी कर लिया है। फिर ये आता है येलो टोन, येलो टोन इसमें नहीं रखना है, तो इसको एकदम बिल्कुल माइनस करना है शैडो को, सॉरी दोस्तों, शैडो बोल रहा हूँ, सेचुरेशन को, और यहाँ से लुमियंस को हाई कर लेना है। ठीक है, येलो टोन इसमें बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अभी इसमें किसी भी टूल को छेड़ना नहीं, कोई भी कलर को छेड़ना नहीं, जो कलर आपकी फ़ोटो में नहीं है उसको नहीं छेड़ना है। लास्ट में ये दो कलर आता है जो कि हमारे फोटोज़ में है, तो यहाँ से हम इंक्रीज़ करेंगे इसका लुमियंस, तो थोड़ा सा लाइट हमारे कपड़े पर आएगा, तो लाइट भी ज़रूरी है। ठीक है, इसके हिसाब से बस दो कलर को हमने छुआ। देखिए, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गया।
और टेक्चर एंड क्लियरिटी को यहाँ से इंक्रीज करेंगे, थोड़ा सा शेडो को इंक्रीज कर लेंगे और डिटेल्स को 100% हाई, नॉइज रिडक्शन को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, कलर नॉइज रिडक्शन इसको आप लोग चाहें तो 100% फुल रख सकते हैं क्योंकि बैकग्राउंड इससे स्मूथ होता है, ठीक है ना। देख सकते हैं बैकग्राउंड पहले फटाफटा से दिख रहा था, अभी स्मूथ हो गया, फोटो भी थोड़ा सा स्मूथ हो गया, कुछ इस टाइप से कर लेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने कैसे किया बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। इतना होने के बाद सिंपली फ़ोटो को एक्सपोर्ट कर लेना है। अगर आप लोगों के फ़ोटो में और भी ज़्यादा गोरा चाहिए, आप लोगों का फ़ोटो और भी ज़्यादा गोरा चाहिए तो वीडियो को ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ। फोटो अभी सेव हो गया, एक्सपोर्ट कंप्लीटेड, ओके डन करेंगे। अभी चलेंगे अपने गैलरी में, ठीक है, गैलरी में जाके इस फोटो को ओपन करेंगे। सो फाइनली यही वो फोटो है। तो इसका हमें सबसे पहले इसको शेयर करना है स्केचबुक ऑटोडेस्क, यहाँ पे है, ये भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, मैं प्ले स्टोर वाला ही यूज़ करता हूँ, ठीक है ना, कोई दूसरा वर्जन यूज़ नहीं करता। ध्यान से देखिए, तो ऐसे खुल गया और इसको जूम करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ब्रश वाले आइकन पे चलेंगे और नीचे से सेकेंड वाला ब्रश लेंगे, ठीक है, स्मज टूल में, और इसका सेटिंग देख लीजिए। सेटिंग में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं 5 रखूँगा और इसको 6 रखूँगा, ठीक है, और साइज़ को अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा और रख लेना है, ठीक है ना, ऐसे, और ऐसे करके थोड़ा सा टाइम देना है, ठीक है। आप लोग जितना इसमें टाइम देंगे ऑटोडेस्क में, ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही पे सब खेला है। और मुझे ये भी पता है कि सारे लोग एडिटिंग सीख जाते हैं, बस फेस स्मूथ उनको जल्दी नहीं आता है। तो देखिए दोस्तों, ये कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है ना, ये हाथों का कमाल है, ठीक है। आपका हाथ जितना अच्छे से बैठेगा, आप लोग अपने फ़ोटोज़ को उतना अच्छे से एडिट कर पाएंगे। तो इसमें थोड़ा आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा, डेली एक दो फोटो एडिटिंग करना पड़ेगा। जिस दिन आपका हाथ अच्छे से बैठ गया, आप लोग के लिए ये तो एकदम ईजी हो जाएगा, ठीक है, आप भी अपने फ़ोटोज़ को काफ़ी अच्छे से स्मूथ कर पाएंगे और फिर आप लोग सीख जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो आपका सबसे कठिन काम होता है फेस स्मूथ, ठीक है। और बहुत लोगों का कमेंट था कि भाई सैड फोटो एडिटिंग चाहिए, पट्टी वाला, जो कि मैं पहले डालता था आज से 1 साल पहले, तो वो वाला फ़ोटो भी बहुत ही जल्द आने वाला है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग मेरे चैनल पे और सपोर्ट करते रहिए अपने भाई को ऐसे ही। तो यहाँ पे मैं वीडियोज़ को थोड़ा सा फास्ट कर लूँगा क्योंकि यार मैं पूरा स्मूथ करूँगा तो खाली स्मूथ करने में ही हमको लगभग 20 मिनट आधा घंटा लग जाता है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट करूँगा। सो फाइनली दोस्तों, देख सकते हैं मैंने अपने फ़ोटोज़ को काफ़ी अच्छे से स्मूथ कर लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा है, तो मैं इसको सही कर लूँगा, ठीक है। सो काफ़ी मैंने अच्छे से स्मूथ कर लिया है, बाकी का काम हम अभी दूसरे एप्लीकेशन में करने वाले हैं। सो अभी हम इस फोटो को करेंगे, यहाँ से गैलरी में जाके सेव कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्या क्या प्रोसेस होता है, मैं आप लोग को पूरा डिटेल्स में एकदम बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो अभी फ़ोटो सेव हो रहा है, फ़ोटो को सेव होने के बाद आप लोग को हम बताते हैं क्या क्या करना है। फोटो तो सेव हो गया, अभी हम चलते हैं इस गैलरी में, अपने फोटोज़ को फिर से एक बार ओपन करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा फोटो, तो अभी हम इस फोटो को शेयर करेंगे सिंपली लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। लाइटरूम एप्लीकेशन में इस फोटो को शेयर कर लेना है। तो शेयर हो गया, अभी ओपन करते हैं अपना लाइटरूम एप्लीकेशन और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी आधा काम इसमें कर, तो दोस्तों यहाँ पे फिर से हमने अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में अपने फोटो को ऐड कर लिया है, जिसको फेस स्मूथ किए हैं, और सेम प्रोसेस वही करना है जो एक बार पहले हम लोग लाइटरूम एप्लीकेशन में कर चुके हैं, कुछ देर पहले किए हैं। तो शैडो को इंक्रीज करेंगे, वाइट ब्लैक को कम करेंगे, फ़ोटो हमारा डार्क होगा, फिर शैडो को और थोड़ा सा बढ़ाएंगे और दोस्तों यहाँ से अपने फेस को और भी ज़्यादा वाइट करेंगे, ठीक है। वाइट हो गया हमारा फेस पहले से और भी ज़्यादा, तो अभी और भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और बाकी इसमें किसी भी टूल को नहीं छेड़ना है, और लिप्स का कलर मैं यहीं से कर लूँगा, ठीक है। आप लोग अगर चाहें तो पिक्स आर्ट में भी कर सकते हैं, जो कि मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन मैं फ़िलहाल में यहीं से कर लेता हूँ। तो ऐसे लिप्स का कलर कर लेंगे, थोड़ा सा ये ऊपर एक्स्ट्रा हो गया, तो मैं यहाँ पे इरेज करूँगा और यहाँ पे जाके लिप्स का कलर मैंने कर लिया, ठीक है। लिप्स का भी कलर हो गया, और सिंपली अभी इस फोटो को शेयर कर लेना है, और किस एप्लीकेशन में शेयर करना है ये मैं आप लोग को बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे पिक्स आर्ट एप्लीकेशन में शेयर कर लेना है, और पिक्स आर्ट एप्लीकेशन में आप लोगों को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप लोगों को पता है।
इसमें जाएंगे और पिक्स आर्ट में आने के बाद, अभी देखिए मैं इस फोटो को कैसे कैसे एडिट करूँगा, काफ़ी अच्छा बनाऊँगा। पिक्स आर्ट में आ गए हैं और सबसे पहले हम चलेंगे ब्यूटी रिटच वाले टूल पे। पहले इसका नाम ब्यूटी था इसलिए मैंने ब्यूटी बोल दिया। और यहाँ पे आई रेड, ठीक है, आई कलर का ऑप्शन है, इसको हम लेके जाएंगे और अपना आई कलर चेंज करेंगे। आँखों में थोड़ा सा एक लेंस लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इसको सेट करेंगे और इसको यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। कुछ इस टाइप से हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं और राइट क्लिक पे करेंगे और यहाँ से ये वाला हम लोग आई कलर ले लेंगे और यहाँ से इरेजर वाले ऑप्शन पे चलेंगे और ऊपर का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आता है हम लोग सिंपली एकदम आसानी से इरेज कर लेंगे, ठीक है, एकदम थोड़ा बारीकी से कीजिएगा और सिंपल डन करेंगे। और इसका सेचुरेशन हमको बढ़ा लेना है और डन कर लेना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा मैंने आँखों में लेंस भी लगा लिया। अब आता है कि ये आँखों के साइड साइड रेड कलर करने का, एकदम पूरा चीज़ बता रहा हूँ, एक एक चीज़, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बना लेता हूँ। तो इसके लिए आपको अपना डेटा ऑन करना पड़ेगा क्योंकि मेरा पिक्स आर्ट में हमेशा क्लियर डाटा करते रहता हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल में स्पेस का प्रॉब्लम है। तो रिटच वाले ऑप्शन पर चलेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है हेयर कलर, इसी पर क्लिक करना है, ठीक है, और थोड़ा सा वेट करेंगे और अभी हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं ऑटोमेटिक मेरा हेयर कलर हो गया, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको बैक करेंगे और यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे टैप करके यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट करेंगे और रेड कलर यहाँ से सेलेक्ट करके डन कर लेंगे। फिर इसको बैक करेंगे, फोटो को जूम करेंगे, मैनुअल में जाएंगे, हार्डनेस को कम करेंगे और साइज़ को अपने हिसाब से रख लेंगे और यहाँ से हम रेड रेड बना लेंगे, ठीक है, दोनों साइड में। आप लोग थोड़ा थोड़ा मतलब हिसाब से बना लीजिएगा और अभी डन कर लेंगे। देख सकते हैं आँखों के साइड साइड में रेड भी आ गया और अभी सिंपली डन करना है और फोटो को ड्रॉ टूल में चल के और थ्री डॉट पे क्लिक करके ऐसे फोटो को सेव कर लेना है। अब यहाँ पे सेव तो ऐसे कभी कभी नहीं होता है तो ऐसे हम शेयर कर लेते हैं स्नैपशीट में। स्नैपशीट में आ गए फिर से और इसमें जाने के बाद लास्ट में ये पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन है, इसको यूज़ करने से थोड़ा सा और भी फेस अच्छा हो जाता है। देखिए ग्लो आ गया फेस पे और यहाँ से थोड़ा सा और ज़्यादा स्मूथ कर लेंगे और आई क्लियरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और सिंपली डन कर लेंगे। देखिए बिफोर एंड आफ्टर थोड़ा सा अंतर हो गया और हमारे यहाँ पर थोड़ा सा लाइट कम लग रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा लाइट हम ज़्यादा कर लेंगे और डन कर लेंगे, बस हल्का सा इंक्रीज़ करना है और शेयर कर लेना है। जैसे शेयर करके मैं सेव करता हूँ तो ऐसे मेरा फोटो सेव हो गया, ठीक है। और अब चलेंगे हम रेमिनी एप्लीकेशन में, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले रेमिनी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ये रहा रेमिनी एप्लीकेशन, अभी देखिएगा फोटो का कलर टोन तक चेंज कर देता है ये एप्लीकेशन, इतना दम है इसमें, ठीक है, ध्यान से देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर अपना फ़ोटो ले लेंगे और इन्हेंस प्लस पर क्लिक कर लेंगे। तो कुछ इस टाइप से ऐड आएगा, ठीक है ना, ऐड को पूरा देख लेना है और स्किप कर लेना है, ठीक है, स्किप करेंगे और यहाँ से कट करेंगे और अभी अपलोडेड इमेज, अपलोडिंग इमेज लिखा है, अभी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए अभी कर रहा है ऑटोमेटिक। अब देखिए फेस का कलर तो किसने चेंज कर दिया, अगर फेस का कलर टोन थोड़ा भी ख़राब रहता है तो ये चेंज कर देता है। देखिए पहले इतना ज़्यादा वाइट था, अभी देखिए ये कौन सा कलर ला दिया, ठीक है ना, और बैकग्राउंड पे भी देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ब्लर भी कर दिया है थोड़ा सा, देख सकते हैं, मतलब ये जादू है यार, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे करके बाद में अगर आप लोगों को ये कलर टोन अच्छा ना लगे, ये अपने हिसाब से एडजस्ट करता है, मैं ऐसे फोटो को सेव कर लूँगा और ये ऐड आता है, ऐड को पूरा देख लेना है, 10-15 सेकेंड 30 सेकेंड का रहता है, ऐड को पूरा देख लेंगे तभी सेव होगा, क्योंकि पहले वाला जो रेमिनी एप्लीकेशन था वो वाला थोड़ा अच्छा था तो ये वाला में बहुत ज़्यादा ऐड आ रहा है, तो फिर भी क्या करना है, आप लोगों को यूज़ तो करना ही है तो ऐसे करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे फोटो सेव हो रहा है, नीचे देख सकते हैं लोडिंग ले रहा है, सेव हो रहा है, फोटो सेव हो गया। अब जाके हम इसका चाहे तो कलर टोन चेंज कर सकते हैं, तो चलते हैं गैलरी में। तो दोस्तों इसको आप लोग चाहें तो ऐसे शेयर कर सकते हैं लाइट रूम में दोबारा, तीसरा बार, ठीक है, दोबारा मैं बोल रहा हूँ। और अब देखिए इस फोटो का रंग कैसे होगा, ठीक है, यहाँ से लाइटरूम में एप्लीकेशन ओपन करता हूँ और ये रहा वो फोटो, ठीक है ना। अब जाके इसको हम थोड़ा सा और अलग अंदाज में बनाएंगे, ठीक है,
इसमें भी वाइट ब्लैक को कम करेंगे, शेडो को इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा। अब देखिए ये फोटो में कैसे कलर टोन इतना खतरनाक हो जाएगा ना कि आप लोग सोच नहीं सकते। मिक्स टोन में जाएंगे, फिर से ऑरेंज टोन को जाएंगे और यहाँ से इसका सेचुरेशन कम करेंगे, लुमियंस को ऐसे हाई करेंगे। ठीक, देख सकते हैं पूरा वाइट हो गया जैसे कि आप लोग खोजते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा हम रेड टोन भी डाल देंगे और इसके बाद से चलेंगे हम वाइब्रेंस वाले ऑप्शन में। इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और शार्पनेस को इंक्रीज करेंगे और नॉइज रिडक्शन को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। कलर नॉइज रिडक्शन को भी ऐसे फुल करेंगे और इन दोनों को फुल रखेंगे और इसको इनेबल कर लेंगे आसानी से। अब देखिए फोटो देख सकते हैं अभी सही हो रहा है, देख सकते हैं कितना अच्छे से बैकग्राउंड ब्लर दिखा रहा है और फेस भी वाइट हो गया काफ़ी अच्छे से और एकदम HD क्वालिटी में आपका फोटो निखर के सामने आ गया। तो यहाँ पे हम फोटो को ऐसे सेव कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो बस इसी तरह से फ़ोटो एडिटिंग होता है, कोई भी फोटो एडिटिंग इतना आसानी से नहीं होता है, इतना जाके मतलब इतना एप्लीकेशंस में फ़ोटो को उसको शेयर करना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा एक ही फ़ोटो को मैंने लाइटरूम में 3-3 बार शेयर किया, ठीक है। तो ऐसे करके फ़ोटो एडिटिंग होता है, ठीक है। तो बस यही था आज का एक वीडियो, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसी फ़ोटो एडिटिंग सीख पाए और इंस्टाग्राम पे अपलोड करें एडिटिंग करके और अच्छा अच्छा लाइक लें, कमेंट लें, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।